आज का फैसला ये बताता है कि राहुल गांधी अपनी पूरी सदगत के साथ अब संसद में जाएंगे। अगर ओम बिरला को अपनी इज्जत बचानी है तो उन्हें 4 घंटे के अंदर राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करनी चाहिए। तकरीबन 100 करोड़ लोग राहुल गांधी को 8 अगस्त को सुनेंगे। नमस्कार दादा, मैं हूं इकराम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अंदर कुमार जी। सर, एक बहुत बड़ी खबर आई है अभी कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट से। राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है, जो सजा थी वो स्थगित हुई है। कोर्ट में क्या कुछ हुआ है, क्योंकि इस वक्त तमाम विपक्ष खुश हैं, उनके चाहने वाले खुश हैं, और शायद अब राहुल गांधी जो सत्र चल रहा है उसमें भी जाएंगे। क्या कुछ हुआ सर, पूरा बताएं डिटेल। मैंने बहुत पहले जब राहुल गांधी को सूरत की निचली अदालत ने 2 साल की सजा दी थी और दोषी ठहराया था, तब भी मैंने कहा था कि राहुल गांधी पूरी तरह से पाक साफ घोषित होंगे और ये एक तरह से पूरा मामला जो है न्यायिक दुराचार का मामला बनेगा। निचली अदालत ने जो फैसला दिया, जो सेशन कोर्ट ने फैसला दिया, जो फैसला जो है हाई कोर्ट ने दिया, वो सारे के सारे फैसले जो है किसी भी अकलमंद आदमी के गले उतरने वाले नहीं थे। और ये लग रहा था कि इन फैसलों को लिख कोई रहा है, सुना कोई रहा है, कार्रवाई कहीं चल रही है, और जिसे कहते हैं कहीं पे नजरें कहीं पे निशाना, वो वाला मामला था। अब राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो 2 साल की सजा है उस पर एक तरह से छूट दे दी है और उस पर रोक लगा दी है। अब देखना है कि लोकसभा के अध्यक्ष, जिन्होंने 23 मार्च को बहुत ज्यादा जल्दी दिखाई थी और ये किया था कि राहुल गांधी को कहा था कि तुम अपनी कोठी खाली करो, तुम्हारी सदस्यता जो है खत्म की जा रही है, और उसके बाद उन्होंने एक तरह से सोचा था कि उन्होंने राहुल गांधी का राजनीतिक भविष्य जो है खत्म कर दिया। लेकिन आज का फैसला ये बताता है कि राहुल गांधी अपनी पूरी सदगत के साथ अब संसद में जाएंगे और ये लोकसभा स्पीकर जो कि ओम बिरला है उनके ऊपर अभी दायित्व आ जाता है कि जिस तेजी से उन्होंने राहुल गांधी के बारे में जो फैसला आया था सूरत की अदालत का, जो कि गुजराती भाषा में था, उसको पढ़ा, वो दिल्ली आया और उन्होंने एक दिन के अंदर ही उनकी सदस्यता जो है खत्म कर दी थी। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, वो इंग्लिश में फैसला है और सुप्रीम कोर्ट और संसद के बीच में मुश्किल से 4 किलोमीटर की दूरी है, तो मुझे लगता है कि अगर ओम बिरला को अपनी इज्जत बचानी है तो उन्हें 4 घंटे के अंदर राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करनी चाहिए, और अगर वो 4 घंटे के अंदर उनकी सदस्यता बहाल नहीं करते या उसमें कोताही करते हैं तो ये माना जाएगा कि वो जो है अपने पुराने कुकर्मों पर अभी भी पश्चाताप नहीं कर रहे हैं। अब राहुल गांधी के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट में बहस चली वो 1.5 घंटे के करीब चली, और 1.5 घंटे बहस में बार बार जो सुप्रीम कोर्ट के जो सुनने वाली बेंच थी, जिसके अध्यक्षता जो है BR गवई कर रहे थे, उन्होंने कई बार ये इशारा किया कि वो खुद इस बात से अचंभित है कि हाई कोर्ट ने 66 दिन एक फैसले को रोके रखा और उसके बाद उन्होंने 100 पेज से बड़ा फैसला दिया, और उस फैसले को उन्होंने डिटेल में पढ़ा, उन्होंने गवाहों की गवाही पढ़ी, उन्हें हर चीज याद थी और वो बार बार बता रहे थे कि कहाँ कहाँ गवाही में गलती है, कहाँ कहाँ कानून का पालन नहीं हुआ, और इसीलिए उन्होंने महेश जेठमलानी की एक भी दलील को सही नहीं माना, और ये बात जब फैसला आएगा तब ये सिद्ध होगा कि फैसला जो है न्यायिक कदाचार का मामला है, न्यायिक शक्तियों के दुराचार का मामला है। और मुझे भी मानना है, मेरा मानना है कि हाईकोर्ट के जज और जो सेशन जज हैं और जिस निचली अदालत मुंसिफ अदालत ने जिसे फैसला दिया, उन तीनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जो है कड़ी कार्रवाई करेगा और उनके खिलाफ स्ट्रक्चर्स यानी टिप्पणियों सहित जो होती है बातें उसको पास करेगा। अब राहुल गांधी संसद के सदस्य बन गए हैं ये मान लीजिए आप, और संसद का सत्र जो है आज शुक्रवार का दिन है, तो आज जो है ओम बिरला को राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करनी चाहिए, और इसका असली मजा अब आएगा जब राहुल गांधी लोकसभा में पहुंचेंगे। राज्यसभा में जो है खड़गे जो है वो राज्यसभा के सदस्य हैं, तो राज्यसभा में वो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं, और अब जो है लोकसभा में राहुल गांधी जो है अविश्वास प्रस्ताव की जो डेट तय हुई है 8, 9, 10, उस पर जो है बहस के दौरान वो एक तरह से अपनी दास्तान सुनाएंगे कि किस तरह उनके साथ 23 मार्च से लेकर अब जो फैसला आया है 8 अगस्त के बीच में क्या क्या हुआ, और ये सुनने वाली बात होगी। पूरा देश, मैं कह सकता हूं उस दिन सबसे ज्यादा अगर कोई देश किसी देश के लोगों को सुन रहा होगा तो तकरीबन 100 करोड़ लोग राहुल गांधी को 8 अगस्त को सुनेंगे, और उनकी वो स्पीच होगी, वो एक ऐतिहासिक स्पीच होगी, और उसका जवाब देना मोदी जी के लिए बड़ा भारी पड़ेगा। तो ये पूरा मामला है, ये पुणेश मोदी ने डाला है,
और पुणेश मोदी के साथ जो सबसे बड़ी बात है कि उनका सरनेम पुणेश मोदी नहीं था, उनका सरनेम था पुणेश भूतवाला, और भूतवाला लिखते थे, और उन्होंने कहा कि मैं खांची मोदी जाति का आदमी हूं, और इस मुकदमे के लिए उन्होंने अपना नाम जो है बताया कि मेरा सरनेम जो है मोदी है, जबकि उनके सर्टिफिकेट में, स्कूल के सर्टिफिकेट में और जगह उनका नाम है पुणेश भूतवाला। तो ये बात भी उनके खिलाफ गई, और सुप्रीम कोर्ट में अभी चूंकि सजा स्थगित करने की बात है तो जो जो केस की मेरिट होती है उस पे बहस नहीं हो सकती, सिर्फ जो है ऊपरी तौर पर बहस हुई। और जिस ढंग से आज अदालत का रुख था, अदालत में लोगों का रुख था, जो बयान थे, वो सारी बातें बताती हैं कि राहुल गांधी को सिर्फ इस बात के लिए 2 साल की सजा दी गई ताकि उनकी सदस्यता चली जाए। इस मामले में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि पुणेश मोदी, जिन्होंने इस मुकदमे के लिए अपना नाम जो है पुणेश भूतवाला से पुणेश मोदी कर लिया था, और उसके बाद ये कहा कि मेरी जाति पर, मेरे सरनेम पर इन्होंने जो अपमानजनक टिप्पणी की है उसके लिए मैं मुकदमा डाल रहा हूँ। इस मामले में उन्होंने अपनी तरफ से चुनाव आयोग के जो वीडियोग्राफर हैं उनकी वीडियो भी दिखाई, और उस वीडियो को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरी वीडियो जो है बीच बीच में से कटी हुई है, पूरी नहीं दिखाई गई है। इसी तरह उन्होंने गवाहों के बयान पढ़े, और उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो बीआर गवई हैं वो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुए, और इसलिए इस मामले को उन्होंने विस्तार से सुना। तकरीबन 1.5 घंटे सुनने के बाद उन्होंने कहा हम इस मामले में राहुल गांधी की सजा को स्टे कर रहे हैं, स्थगित कर रहे हैं, और इसका मतलब यह है कि राजनीतिक रूप से अब राहुल गांधी दोबारा लोकसभा के सदस्य हो गए वायनाड से, और वो संसद में जाकर एक सदस्य के रूप में लोकसभा पे जो अविश्वास प्रस्ताव रखा गया है उस पर 8 तारीख से बहस करेंगे। और इस सारे मामले से एक बात बिल्कुल साफ है कि जिस तरह से कानून और व्यवस्था और न्यायपालिका का दुरुपयोग मोदी सरकार कर रही है उस पर भी उन्होंने एक तरह से अपनी टिप्पणी परोक्ष रूप से की है। सॉलिसिटर जनरल मेहता जब बार बार उसमें राहुल गांधी की सजा को बरकरार रखने और स्टे ना देने की बात कर रहे थे, तब भी उन्होंने ऐसी टिप्पणी की कि कहा कि आप पूरे देश के सॉलिसिटर जनरल हो और आपको उसी तरह जो है बर्ताव करना चाहिए। तो इस सारे मामले में एक बात समझ लीजिए कि जो चुनाव हैं 2024 के उसमें ये एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में लिखा जाएगा, और आने वाले समय में हम देखेंगे कि देश में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक शक्तियां जो है वो एकजुट होंगी और अपनी पहल को आगे बढ़ाएंगी, और इसका नतीजा जो है 2024 के चुनाव में पूरी तरह से देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बताया आज कोर्ट में क्या हुआ, राहुल गांधी को राहत मिलेगी, साथ ही भारतीय जनता पार्टी के लिए अब जी कहीं ना कहीं मुश्किल जरूर खड़े करेगा, क्योंकि राहुल गांधी जैसे ही संसद में आते हैं वो अपनी पूरी व्यथा सुनाएंगे और फिर देश तो सुनेगा ही। अब देखना है कि 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी इसे किस तरह से लेते हैं। आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी रविंद्र जी से, तब तक ले लीजिए इजाजत।